गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स आर टॉपिक दैट इज फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स अब इनके बारे में जानना है ये कैसे होते हैं ये यूजफुल हैं या हार्मफुल हैं क्या यूजफुल क्यों हैं किस चीज़ के लिए हम इसको कर सकते हैं इन सबको जानने से पहले पहले हमें माइक्रोब्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए अब माइक्रोब्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और क्या उनकी तो दिक्कतें कैसे हैं आप माइक्रोब्स को आप नेकेड से नहीं देख सकते लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप सो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अब कैरेक्टर्स की बात करूं तो दे आर यूनिसेलुलर दे कैन बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो दे कैन कम इन टू द कैटेगरी ऑफ प्रो सम कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ क्यू सम आर यूजफुल सम आर हार्मफुल एंड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब सॉइल वॉटर और एयर हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है गुड पॉपुलेशन ऑल्सो नाउ वी आर इन ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट टच और आई कैन से कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विदक्रोब्स इन योर आर इनवाइ बट स्टूडेंट हियर आई वॉन्ट टू एड वन पॉइंट कि आप एनवायरमेंट से ज्यादा उस एनवायरमेंट से ज्यादा कांटेक्ट में माइक्रोब से अपनी बॉडी के ही थ्रू में रह बॉडी के थ्रू ही रहते हो यू आर मोर इंटीमेट कांटेक्ट इंटीमेट कांटेक्ट विद द माइक्रोब्स इन योर बॉडी अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूँ। हमारी बॉडी में मिनिमम 10 रेस टू 13 माइक्रोब्स हैं 10 रेस टू 13 यूकैरियोट्स सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं

अब मैंने क्या बोला एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स मैंने एक और चीज आपको बताई दैट इज सम आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल फॉर यू अब आपके इस चैप्टर में आपको कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के एग्जांपल्स पढ़ने हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स के एग्जांपल्स पढ़ने हैं यूजफुल आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद हार्मफुल माइक्रो सो लेट्स

ये कैसे हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जैसे ही मैंने टर्म बोला एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये अपने लिए एनर्जी बना लेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन इनको चाहिए नहीं ये एनारोबिक हैं अब ये तो हमें इसके बारे में पता चल गया तो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक अब एग्जाम में अगर एक्टोबेसिलाई के बारे में कुछ लिखने आया क्वेश्चन पूछा गया तो पहले आप उसको पहले डिफाइन करोगे कि लेक्टोबेलाय क्या है एंड यस दे कम इन टू कैटेगरी ऑफ यूज़फुल माइक्रोब्स यूजफुल बैक्टीरिया लेट्स डिफाइन दे आर दी रेक्टेंगुलर शेप एनारोबिक बैक्टीरिया लेट्स सी हाउ दे आर यूजफुल टू अस अब ये जो लेक्टोबेसिलाय हैं इनको क्या करते इनका अभी मैंने क्या बोला एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका मतलब एनर्जी प्रोडक्शन तो होगा बट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं इसको फर्मेंटेशन तो नाउ अब शुगर ये कौन सी मिल्क में कौन सी शुगर होगी लैक्टोज या yeah. जो शुगर मिल्क में प्रेजेंट है लैक्टोज इनको क्या करेंगे है, कर देंगे क्यों क्योंकि उनको एनर्जी प्रोडक्शन करना है किसके लिए खुद के लिए कौन सा पाथवे फॉलो कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और मैंने आपको अभी एक नया वर्ड बताया इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को या इस एनारोबिक जो प्रक्रिया ये करेंगे वो तो फर्मेंटेशन अब लैक्टोज टूटेगा तो कुछ तो उसका प्रोडक्ट मिलेगा प्रोडक्ट मिलता है लैक्टिक एसिड इट्स एन एसिड तो उससे क्या होगा जो मिल्क का पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही डिक्रीज होगा देर इज अ कॉगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन मिल्क अब ये आप कैसे देख सकते हो कि कॉगुलेशन हुआ कि नहीं बहुत सिंपल है मिल्क कैसा रहता है फ्री फ्लोइंग रहता है पर जब उसमें दही जम जाती है या आई कैन से जब हम दही जमाते हैं उसमें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है सेमी सॉलिड कुछ मतलब से हुआ, क्यों हो रहा? क्योंकि protein, इससे क्या होता है मिल्क प्रोटीन इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क यू गेट दी सेमी सॉलिड और आई कैन से एक सेमी सॉलिड एक टेक्चर आ जाता है Now, अभी पी एच लेक्टिक एसिड जैसे ही बना पी एच बहुत कम हो गया तो अब जब पी एच कम हो जाएगा तो इट कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ यूजफुल बिकॉज़ नॉट ओनली यू आर यूटिलाइजिंग दिस लेक्टोबेसिला फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क बट ऑल्सो जैसे ही लेक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है आपके जो माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं मिल्क के वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड विच हैज कॉज द पीएच टू बी लो पीएच क्या हो गया लो हो गया तो लैक्टोबेसिला ने क्या किया लैक्टोज को तोड़ा और क्या बनाया लैक्टिक एसिड इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीएच मिल्क का डिक्रीज हो गया और कोगुलेशन हो गया कोगुलेशन हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया से क्या हुआ मिल्क का जो प्रोटीन वाला पार्ट है इट विल सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्ट एंड देन विल बी अ सेमी सॉलिड इन एडिशन टू दैट जो लो पीएच अब मिल्क का है उससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट थे मिल्क में वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ऑल हैव सीन द एड ऑफ प्रोबायोटिक्स अब ये क्या करेंगे इनको क्यों कंज्यूम करना है एक्टिक एसड जो ये लेक्टोबेला क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मैंने क्या बोला वो क्या प्रोड्यूस करते हैं लेक्टिक एसिड और उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो प्रोबायोटिक्स क्या करते है? जब आप ऐसी चीजों का कंजम्पशन करते हो इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग इन द डाइजेशन तो ऑल हैव सीन दैट एड ऑफ प्रोबायोटिक्स अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कैसे यूजफुल है लेट्स अंडरस्टेंड अब ये जो माइक्रोब्स हैं वट देर गैलेंस ऑफ इंडस्टनाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये प्रमोट करेंगे ग्रोथ ऑफ गुड क्टीरियाज जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे जो आपको इम्यूनिटी uh, अच्छी देंगे आपको और हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक कोलेस्टोडियम को किल कर देंगे दे विल डिस्ट्रॉय तो इससे क्या होगा आपके इम्यूनिटी बूस्ट होगी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो दैट्स वाई प्रोबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर सपोर्टिंग दुड सपोर्टिंग द

कंज्यूम बटर मिल्क एंड सच प्रोडक्ट्स योग एंड बटर मिल्क बाय बिकॉज दिस बटर मिल्क इज गोइंग टू कंटेन द लेक्टोबेसिलाय अगेन लेक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उससे क्या होगा हार्मुल बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे दे आर यूजफुल अब इसमें क्या होगा जैसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होंगे और आपके जो एबडोमिनल डिस्कंफर्ट है जो कॉन्स्टिपेशन आपको हुआ है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इसीलिए बटर मिल्क इज ऑल्सो गोइंग टू कंटेन दैट सेम लेटोबेसिलय और उसका तो दैट इज बटर मिल्क एंड योग ड्यूरिंग दी दबडोमल डिस्कम्फर्ट और आई कैन से ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डाइजेस्टि दिस इज द रीजन ऑफ वाई द लेक्टोबेसिलाई आर वेरी यूजफुल माइक्रोब्स नाउ कमिंग टू दी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दोग आफ्टर सम टाइम दोगार्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथिंग होती है और बिटरनेस बढ़ती क्यों जाती है सी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जब होता है लेकोबेसिलाई ने जब लैक्टिक एसिड बनाया चेंज हुआ पी एच ड्यू टू दिस लेक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण क्या हो गया बच्चों टेस्ट आया योगर्ट में एक टेस्ट आया जिसको हम बोलते हैं सार टेस्ट एक खट्टास आई सार टेस्ट आई सार टेस्ट आई बट धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इफ यू विल टेस्ट दैट सेम योगट इट विल गिव यू अ बिटर टेस्ट तब कड़वा होना क्यों होता है एंड यस फ्रोदिंग भी हो रही है कड़वा इसलिए होता है कि अब लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई और ज्यादा जब ओवर फर्मेंटेशन हो गया एसिड 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 बना। इट कम्स आफ्टर लैक्टिक का फर्मेंटेशन क्योंकि फर्मेंटेशन तो बढ़ता कड़वा होता है इसीलिए कमिंग टू द फ्रोथिंग बिकॉज प्रोड्यूस होगा अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जब जब ये फर्मेंटेशन आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये लैक्टिक एसिड पर नहीं रुकेगा ये आगे भी जाएगा जब ब्यूटेरिक एसिड बन गया सीओटो रिलीज हो गया क्या होगी योगट में फ्रोथिंग आएगी एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंजम्पशन लेट्स रिवाइज व्हाट इज लेक्टोबेलाइ में क्या क्या है वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगट बटर मिल्क घी चीज श्रीखंड कैन बी ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द

देयर इन मार्केट सो दैट यू कैन कंज्यूम एंड आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी आपका डाइट सिस्टम अच्छा होगा आपके इंटेस्टाइन माइक्रोब्स की पॉपुलेशन अच्छी रहेगी इस और हार्मफुल माइक्रोब्स को वो किल कर देगा सो प्रोबायोटिक्स खाने के ये फायदे हैं अगेन लेक्टोबेसिलाईज वेरी इंपॉर्टेंट द लेक्टोबेसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज टू मेक वाइन एंड समाइप्स ऑफ ब्रेड ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट

सो आफ्टर नोइंग अबाउट लेक्टोबेसिलाई और उसके इतने सारे यूजफुल फीचर्स के बारे में कैन यू आंसर दिस स्लाइड वाई व्हाट वट इज द रीजन बिहाइंड द सेमी सॉलिड एंड डिस्टिंग टेस्ट ऑफ कर्ड और चीज वाई बिकॉज ऑफ द लेक्टोबेसिलाई जिसने लैक्टिक एसिड फॉर्म किया लैक्टिक एसिड से पी कम हो गया और डी ऑफ प्रोटीन हो गया तो एक सेमी सॉलिड

root nodules of the leguminous plant what they are going to do they are going to supply nitrates nitrites and amino acid to the plant and in exchange they are going to get the energy in the form of carbohydrate from the plant here in this case both plant as well as the bacteria they are both getting benefit from each other दोनों को फायदा है इसीलिए दोनों साथ में रह रहे हैं। और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं अब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है said, दो होंगी। First, to, वो कहां रहता है रूट नोड्यूल्स में रहता है इट इज गोइंग टू सप्लाई नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड टू द प्लांट तो राइजोबियम ने क्या दिया एक साइड से ये लो नाइट्रोजन ले लो अमाइनो एसिड्स ले लो ये सब ले लो आप और प्लांट ने उसको इन रिवर्स में उसको एक्सचेंज में क्या दे दिया कार्बोहाइड्रेट जो उसको वो अपनी एनर्जी के लिए यूज करेगा तो ये जो बेनिफिट जो दोनों के बीच में म्यूचुअल एक रिलेशन बना ऑफ बेनिफिशियल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बना वो बोलते हैं नाउ राइजोबियम प्रोड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहां से मिलता होगा वो तो प्लांट को दे रहा है पर उसे कहां से मिलता होगा बिकॉज के पास वो कैपेसिटी है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है प्रीवियस प्रीवियस चैप्टर में ये ऑलरेडी आपने किया है नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अब हाउ अभी ये जो ये आपको अभी उनको नाइट्रोजन फिक्स करके उनको देना है तो उनको क्या चाहिए कोई तो प्लांट चाहिए जो होस्ट रहेगा तो दे नीड लेग्यूमिन प्लांट्स लाइक स्वीट पी एंड सोयाबीन बीन्स एंड पल्सेस आर वेरी रिच इन पल्सिसोटींस व्हाई बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड विच आर मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया नाउ लेट्स अगेन जस्ट रिवाइज वॉट इज राइजोबिया राइजोबिया इज अ बैक्टीरिया कहा पाया जाएगा रूट नोड्यूल्स में वो प्लांट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप में है उस वो, वो क्या देता है नाइट्रोजन फिक्स करके देता है मतलब नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड देगा अमाइनो एसिड को जोड़कर ही तो प्रोटीन बनता है ना एंड इन एक्सचेंज दे विल गेट द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इस पूरे इस प्रोसेस को क्या बोला गया सिम्बायोसिस अब इस प्रोसेस को करने के लिए वो क्या करेंगे अब होस्ट चाहिए होस्ट मतलब वो प्लांट मतलब सोयाबीन या बीन्स को लेंगे वो उससे उसको होस्ट बनाएंगे और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को जब आप खाते हो दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन वाई बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड कार्बोहाइड्रेट टू द राइजोबिया इन एन इन एक्सचेंज विद दे गॉट नाइट्रोजिनस कंपाउंड फ्रॉम द राइजोबिया

चीजों को वहीं पे डंप कर देते हैं कुछ प्लांट्स के पार्ट को उधर ही डंप कर दिया जाता है राइजोबियम so बैक्टीरिया की उस पूरे फील्ड में वो मेनटेन रहे और एक ये आगे चल के कैसा काम करे एक फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर का काम करे अगर मैंने ऐसा कुछ यूज किया डोंट यू थिंक मैं अपनी सॉइल को कितना प्रोटेक्ट कर रही हूँ आई एम नॉट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर तो so यस yes, उसका खर्चा भी बचेगा एट द सेम टाइम यू हैव द टू एडवांटेज इट विल रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जो केमिकल फर्टिलाइजर में यूज होते हैं आई कैन से राइसोबियम ने क्या किया लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास वो गए उन्होंने क्या किया भाई उनको बोल दिया कि आप मुझे कार्बोहाइड्रेट दे दो मैं आपको नाइट्रोजन फिक्स करके मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड आपको और आप एक बोलते ना प्रोसेस चलता रहा और जब आप ऐसी चीजें लाइक सोयाबीन और बीन्स खाते हो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है राइजोबिया का भी अपना काम हो रहा है क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट मिल चुका है और एट द एंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो जिसके रूट नोड्यूल्स में लेगमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोमिया प्रेजेंट होता है तो कुछ प्लांट्स के पार्ट को जैसे रूट को और उसको डंप कर दिया जाता है उसी फील्ड में सो दैट पॉपुलेशन ऑफ राइजोमिया रिमेन्स मेन जैसे ही मेनटेन रहेगा तो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसानों के पैसे कम खर्च तो दैट्स वाई राइजोमियम इज वेरी गुड आई कैन से इट्स अ गिफ्ट फॉर अ फार्मर तो खेती के व्यवसाय में लगा हुआ है ना कुछ अभी आगे चलकर जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो सीड को या सीड को कवर करके या बिफोर सोइंग uh, uh, मतलब खेती में रखने से पहले सोइंग के पहले ही सोइंग के पहले ही राइजोवियम पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है सो so दैट आगे चलकर ये सब लोग प्ला, प्लांट के रूट्स में पहुंच जाए और वहां पे जो आपको क्रॉप मिले इट शुड इट विल बी रिच इन प्रोटीन और एक बहुत अच्छी खेती आपको मिले डोंट यू थिंक राइजोबियम इज गोइंग इज वेरी यूजफुल एज फार एज योर फूड इज कंसर्न आपकी थाली में जो आपको प्रोटीन मिल रहा वहां पे राइजोबियम का रोल है एंड इन एडिशन इन एक्सचेंज ऑफ विट टेक टेकन ओनली द बैक्टीरिया हैज टेकन ओनली सम कार्बोहाइड्रेट बट उस कार्बोहाइड्रेट के एक्सचेंज में आपको क्या दिया नाइट्रोजन फिक्स करके दिया और प्लांट्स किस क्या हो गए रिच हो गए प्रोटीन्स में तो दिस इज अबाउट राइज़ोबियम सो अनदर एग्जांपल ऑफ इट इज बायोरेमेड बायोरेमेडिएशन क्या बच्चों बायोरेमेडिएशन में होता है वेस्ट मैनेजमेंट कंटामिनेटेड साइट यूजिंग ऑर्गेनिज्म अब देख लेते हैं कौन कौन से ईस्ट uh, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं इसमें फर्स्ट ईस्ट स्पीशीज दैट इज क्यारोविया लिप्टोलाइटिका इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन दैट आर रिलीज ड्यूरिंग द पाल्म ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो हैवी मेटल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस अनदर ईस्ट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसी विच इज

तक कंट्रोल कर सकते अनदर अपार्ट फ्रॉम ये दिस टू ईज स्पीशीज एक और भी बैक्टीरिया यूज होता है दैट इज एल्काइनो एल्काइनी इट इट दिस बैक्टीरिया इज यूज टू क्लीन द ओशन ड्यूरिंग द ऑयल स्पिल्स जब ऑयल स्पिल हो जाता है इन ओशन को क्लीन करने के लिए ही ये बैक्टीरिया यूज होता है दिस इज अबाउट दी

हम हमने कवर किया फिर लेक्टोबेसिलाई को यूज करके कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिला आज हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में भी जान लिया बटर मिल्क क्यों प्रिस्क्राइब करते ये भी जान लिया एंड देन ये लेक्टोबेलाई आई हैव कॉपीड फिर हमने एक राइजोबियम का एक एग्जांपल देखा जो एक सिम बायोटिक बैक्टीरिया था लिग्यूमेनस प्लांट्स में रहता था कार्बोहाइड्रेट उसको मिलता था उनसे और वो क्या बदले में देता था प्रोटीन देन आफ्टर हार्वेस्टिंग राइजोबियम के नोड्यूल्स को उस प्लांट के पार्ट्स को उधर ही डंप कर दिया जाता था खेतों में सो दैट बैक्टीरियल पॉपुलेशन मेंटेन रहे सॉइल फर्टिलाइजर रहे और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हो तो इससे क्या हुआ केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं और या उससे होने वाले एक्सपेंस भी कम हो गए मैंने आपको ये सीड्स भी बताए बिफोर सोइंग सीड्स आर कवर्ड विद राइजोबियम और उसका पाउडर का छिड़काव होता है खेतों में सो दैट आफ्टर सोइंग दैट राइजोबियम विल डायरेक्टली एंटर इन द न्यू प्लेनेट एंड देन इससे क्या होगा बहुत ही अदर एक क्रॉप्स अच्छी एक नाइट्रोजन की सप्लाई होगी इस प्रोसेस को बोलते हैं राइजोबियम इनोकुलेशन देन हमने ईस्ट देखा ईस्ट था सिंगल सेल्फ अनजाइज जो क्या कर रहा था बडिंग और उसके एग्जाम्पल हमने ब्रेड में यूज करना वी ऑल आर फ्री ऑल आर फ्रॉम महाराष्ट्र तो हमने जैसे ही वाइन प्रोडक्शन बोला और जैसे ही मैंने उसमें बोला येस यू कैन यूज ग्रेप्स तो यू तो नासिक तो नासिक भी विजिट कर लिया आज हमने एंड येस वी हैव गॉट दल दीज थ्री क्वेश्चन

Characters, or I can say the useful uh, of uh, useful of useful characters of yeast or bacteria are the bioremediation waste management. We so use. This is all about useful microbes. Next lecture, yes, another one more useful microbes in, in the example of antibiotics. It is remaining. this is actually a vast topic and very interesting topic so that's why i have kept in a different uh, slides so the, after uh, that we will start with the harmful microbe till then i have to revise everything so that you can will score good marks next lecture we'll start with the antibiotics that is the last example of useful microbe. keep in mind till then revise everything thank you